और आइए सीधे रुख कर लेते हैं। राजनीति में वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से की जा रही है। जस्टिस लोया की मौत की जांच नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना चुका है। को भी घसीट के लाने का प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं उसका पर्दाफाश हुआ है। मुख्यतः जो अभी तक मीडिया के माध्यम से और लॉयर्स के माध्यम से हमें मालूम पड़ रहा है, जब जजमेंट की प्रति आएगी तो हम डिटेल स्टडी अवश्य करेंगे, मगर कुछ बिंदु बहुत आश्चर्यचकित करने वाले हैं। कुछ बिंदु ऐसे हैं जिससे यह पता चलता है कि आखिरकार कुछ ऐसे राजनीतिक तत्व देश में षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला तो जो कोर्ट ने कहा है और जो हमें मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है कि आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द फैक्ट्स को, सारे फैक्ट्स को एनालाइज करने के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जो अनफॉर्चुनेट डेथ जज लोया जी का हुआ था वह हार्ट अटैक के कारण, अर्थात मतलब नेचुरल कॉज के कारण हुआ था, वह एकमात्र विषय है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय आता है, कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी और फटकार लगाया है पिटीशन लगाने वालों पर जिन्होंने पीआईएल लगाया है। एक तरह से कोर्ट ने उसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड पीआईएल कहा है। जो पीआईएल है बड़ा आश्चर्य का विषय है कि इट अपीयर्स एज इफ दे वर पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल मींस पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन। द कोर्ट हैज आर्ग्यूड इन अ वे दैट दिस होल इश्यू इट अपीयर्स वॉज टू सेटल सम पॉलिटिकल राइवलरी। कोर्ट हैज यूज द टर्म टू सेटल पॉलिटिकल राइवलरी, और मुझे लगता है इससे जघन्य टिप्पणी और कुछ नहीं हो सकता है उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और खास करके राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लिए जिन्होंने कोर्ट के माध्यम से राजनीति करने की कोशिश की थी। कोर्ट ने यह भी कहा, जिसके विषय में डिटेल में गौरव भाटिया जी आगे बताएंगे, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, कोर्ट ने यह भी कहा कि द लॉयर्स हैव कास्टेड एस्पर्शंस ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द बॉम्बे हाईकोर्ट जजेस, और बॉम्बे हाईकोर्ट के जजेस का नाम भी कोर्ट ने लिया कि कुछ वकील जो पिटिशनर थे जो इस विषय को, कोर्ट ने यह भी कहा जिसके विषय में डिटेल में गौरव भाटिया जी आगे बताएंगे, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, कोर्ट ने यह भी कहा कि द लॉयर्स हैव कास्टेड एस्पर्शंस ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द बॉम्बे हाईकोर्ट जजेस, और बॉम्बे हाईकोर्ट के जजेस का नाम भी कोर्ट ने लिया कि कुछ वकील जो पिटिशनर थे जो इस विषय को लड़ रहे थे उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के जजेस के ऊपर एस्पर्शन अर्थात अविश्वास व्यक्त किया था। द स्कैंडलस इंसिनुएशंस अमाउंट्स टू स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। जिस प्रकार के टिप्पणी कोर्ट के विरुद्ध कोर्ट में ही खड़ा होकर किया गया, कहीं ना कहीं ये कोर्ट को स्कैंडलाइज करता है, कहीं ना कहीं ये कोर्ट के विरुद्ध जाता है। सबसे बड़ी बात जो कोर्ट ने कहा है, आपको जान के आश्चर्य होगा मित्रों, कि कोर्ट ने इस पिटीशन को वील्ड पिटीशन कहा है, कि ये जो पिटीशन सामने दिख रहा है दरअसल जो दिख रहा है वो है नहीं, ये वील्ड पिटीशन है विच हैज बीन फाइल्ड बाय समबडी हु इज नॉट विजिबल हु वॉन्ट्स टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर। कि जिसने यह पिटीशन दाखिल किया है जो कि एक वील्ड पिटीशन है वह अदृश्य है, और अदृश्य होकर कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर यह अदृश्य हाथ किसका है? हु इज दिस इनविजिबल पॉलिटिकल पावर और अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म विच इज ट्राइंग टू सेटल पॉलिटिकल राइवलरी। 12 जनवरी 2018 को किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था? आप सब जानते हैं कि 12 जनवरी 2018 को इसी विषय में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। 31 जनवरी 2018 को किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था? कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल जी, रणदीप सुरजेवाला जी ने राहुल गांधी जी के 12 जनवरी वाले विषय को, इश्यू को आगे बढ़ाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और जांच की मांग की थी। बहुत सारी टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी, और मैं कहूंगा जिस प्रकार की टिप्पणी राजनीतिक जीवन में नहीं करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी पे किया गया था कांग्रेस के द्वारा।
9 फरवरी 2018 को राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी से मिलने कौन गए थे? एक उच्च स्तरीय जांच की मांग करने के लिए 100 से अधिक सांसदों को लेकर स्वयं राहुल गांधी, जो कि अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, इसी विषय को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के पास गए थे। तो मित्रों, आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा अपितु परम सत्य होगा कि द इनविजिबल हैंड एंड द इनविजिबल बॉडी दैट द सुप्रीम कोर्ट इज टॉकिंग अबाउट विच हैज फाइल्ड दिस केस टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर्स इज नो वन अदर देन मिस्टर राहुल गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी। यह अदृश्य हाथ जिसने राजनैतिक वैमनस्यता के कारण और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, यशस्वी अध्यक्ष, जो बार बार जीत दिला रहे हैं ऐसे अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए ये इनविजिबल हैंड, ये अदृश्य हाथ वील्ड पिटीशन को लगाने में किसी का था तो वो राहुल गांधी जी का था, वो कांग्रेस पार्टी का था। दिस इज अ न्यू लो इन इंडियन पॉलिटिक्स वेयर एज एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड बाय द कांग्रेस पार्टी टू इवन पॉलिटिसाइज द जुडिशियरी। इससे नीचा स्तर भारत की राजनीति में आज से पहले कभी नहीं हुआ। भारत के राजनीति में जुडिशियरी को सड़क पर खींच के लाने का प्रयास जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसके लिए राहुल गांधी जी को क्षमा याचना करनी चाहिए। और केवल क्षमा याचना नहीं, उन्हें शर्म से उनका सर झुक जाना चाहिए कि इस प्रकार का अटेम्प्ट उन्होंने भारत जैसे महान लोकतंत्र में, भारत जिसकी जुडिशियरी इतनी जानी मानी जुडिशियरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, प्रसिद्ध जुडिशियरी है पूरे विश्व में, उसके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र किया है। बंधुओं, किस हद तक कांग्रेस पार्टी गिर सकती है? कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लंदन में पूरे विश्व के साथ वार्ता करते हुए एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 125 करोड़ वाला हिंदुस्तान, सैकड़ों वर्षों से जिसकी सभ्यता चली आ रही है, वो एक परिवार की कहानी नहीं हो सकती है। इंडिया इज नॉट अबाउट द सागा एंड स्टोरी ऑफ वन फैमिली, इंडिया इज बियॉन्ड दैट। कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्षों से जिस प्रकार से भारतवर्ष को एक परिवार के कहानी के रूप में महिमा मंडित करने की कोशिश की है, एक ही परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, जब वो परिवार सत्ता से बाहर हो जाता है तो इस प्रकार का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी सदैव करते रही है। इमरजेंसी लगाया गया, हमने वो देखा, क्योंकि सत्ता कांग्रेस के हाथ से जाती नजर आ रही थी। और आज जब भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे नायक हैं जो देश के प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, जिनका नाम श्री नरेंद्र मोदी है, जो जननायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसे अध्यक्ष हैं जिनकी रणकुशलता के कारण विपक्षी दल और खास करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उनके सामने टिक नहीं पाती है, तो इस प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल करके एक अनफॉर्चुनेट डेथ को भी They try to manufacture a conspiracy. ये है ABP News, आपको रखे आगे।